हेलो राइडर्स, क्या आपने नोटिस किया कि आपकी गाड़ी भी पिछले कुछ दिनों में माइलेज कम देने लग गई है? मतलब जब आप नई गाड़ी लाए थे तब तो उसका माइलेज बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो है उसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पर माइलेज कम होने के मेन दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक, हमारी राइडिंग स्टाइल गलत हो सकती है। नंबर दो पे दोस्तों, हो सकता है गाड़ी में हमने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए जिससे कि जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं राइडिंग स्टाइल की, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग बिल्कुल गलत करते हैं जिसके कारण जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। माइलेज ड्रॉप होने का दोस्तों जो सबसे पहला कारण आता है वो होता है लो एयर टायर प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोगों का जो गाड़ी का टायर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है जितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ज्यादातर गाड़ियों में पिछले टायर में 32 या फिर 34, 35, 40 के आसपास में हवा डाली जाती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हवा कम हो जाती है और हम लोग उसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो टायर का सर्फेस एरिया है वो जमीन पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे फ्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और दोस्तों जो माइलेज है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है और हमें ये बात पता भी नहीं चल पाती। सो दैट आपको क्या करना चाहिए, आपकी गाड़ी का आप एक नियम बना लो, हर सैटरडे को या मंडे को आपको अपनी गाड़ी के जो दोनों टायर हैं उसकी हवा चेक करानी ही करानी है, जिससे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा और गाड़ी के टायर भी डैमेज नहीं होंगे। अगला दोस्तों माइलेज ड्रॉप होने का ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंस्टेंट एक्सेलरेशन करते हैं। कहने का मतलब ये कि गाड़ी को हम करके एकदम तेजी से भगाते हैं, तेजी से गियर चेंज करते हैं, तेजी से ब्रेक लगाते हैं, तो ये सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें जो एक्सेलरेशन है बहुत ज्यादा कर देते हैं। मतलब जब भी गाड़ी को चलाना होता है उसकी आरपीएम को पूरा पुश करते हैं मैक्स लिमिट तक, उसके बाद में गियर चेंज करते हैं। तो आप कहोगे मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन हो सकता है आपका छोटा भाई बड़ा भाई जब भी गाड़ी को चलाता हो तो वो उसको फुल मजे लेकर के एंजॉय करेंगे। सो दैट यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है कि माइलेज ड्रॉप हो जाता है। अगर आप या आपका कोई भाई दोस्त रिश्तेदार कोई भी गाड़ी में इंस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है तो यहाँ पर भी जो बाइक का माइलेज है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिल सकता है। सो दैट दोस्तों गाड़ी को ना बिल्कुल आराम से चलाने की कोशिश करें। इंस्टेंट एक्सेलरेशन गाड़ी का माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है, इस बात को ध्यान रखते हुए गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है उसको बड़े प्यार से करें। अगली दोस्तों ऐसी बैड प्रैक्टिस होती है कई राइडर्स की, जैसे कि वो लोग ना कई बार गियर को अप या डाउन करते ही नहीं है जल्दी। जैसे कि कई बार भीड़ में जा रहे हैं और भीड़ में जाते जाते उन्होंने नोटिस किया कि आगे काफी दूर तक में फिर से जैम लगा हुआ है, तो वो फर्स्ट गियर डाल लेते हैं, उसके बाद में सेकंड गियर डालते ही नहीं है। कई बार जाम खुल भी जाता है फिर भी वो फर्स्ट गियर रखते हैं कि उनको प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई थोड़ी देर बाद में फिर से जाम लग जाएगा या फिर गाड़ी जो अटक जाएगी। कहने का मतलब बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, गियर अप डाउन नहीं करते, जिस गियर में गाड़ी होती है उसी गियर में चलाते रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों इससे भी बहुत ज्यादा जो माइलेज है वो ड्रॉप होता है। सो दैट हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी का जैसी कंडीशन है उसमें जो गियर की रिक्वायरमेंट है वो वाला गियर अगर आप डाल करके गाड़ी को चलाएंगे तो यहां पर आपके माइलेज में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इंजन जो है वो सही आरपीएम पे चल रहा होगा, सही पावर डिलीवर कर रहा होगा। सो दैट आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बढ़ करके मिलेगा आपको। पर दोस्तों जो राइडर्स होते हैं उनको बेवजह ब्रेक लगाने की आदत होती है, वो जगह जगह पर ब्रेक मारते रहते हैं, फिर वो गाड़ी का इंस्टेंट एक्सेलरेशन करते हैं, फिर वो कई बार गियर अब जल्दी जल्दी अप डाउन शिफ्ट डाउन करते रहते हैं। जो बिना वजह ब्रेक लगाने की आदत होती है इससे भी माइलेज आपका बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। सो दैट आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो ब्रेक है उसको कम से कम लगाएं। मतलब जहां पर जरूरत है वहां पर तो आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे ही, लेकिन बेवजह ब्रेक को लगाने की कोशिश ना करें। बेवजह ब्रेक को जब आप लगाते हैं तो आपको बार बार फिर गियर डाउन करना पड़ता है, रेस देना पड़ता है, जिससे आपका जो माइलेज होता है वो काफी ज्यादा ड्रॉप होता है और ये बात आपको पता भी नहीं चलती, आपका काफी ज्यादा माइलेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। सो दैट दोस्तों आपको ना अपनी गाड़ी को बहुत ही प्यार से चलाने की कोशिश करनी है। कोशिश करो कि वो ना एकदम स्मूथली चले, उसमें जबरदस्ती करने जैसा कुछ भी ना हो, आपको माइलेज भी बड़ा मिलेगा और आपकी गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। एक और दोस्तों बैड हैबिट हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलती है जो कि होती है गाड़ी पर 3-3, 4-4 लोगों को बिठा लेना। चार तो नहीं खैर, लेकिन 3 लोग आपको जो है बहुत ज्यादा जगह पर देखने को मिल जाएंगे। कई बार हम लोग ना डरते हैं कि यार मेन हाईवे पर 3 लोगों को लेकर के नहीं आना है, लेकिन शहर के अंदर जब भी जाने की बात होती है तो 3 भी बैठ जाते हैं, 3.5 भी बैठ जाते हैं। कहने का मतलब छोटे बच्चे को भी बैठा लिया जाता है, तो इससे भी जो है माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है और दोस्तों जो दुर्घटना है वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 लोगों को बैठाने से इंजन पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो माइलेज होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा ड्रॉप होता है। क्योंकि देखो जब 3 लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी इंजन को, तो ज्यादा पावर आती कहां से, पेट्रोल से। तो जितने पेट्रोल में दोस्तों गाड़ी जो है आराम से चल सकती थी उतने पेट्रोल में अब नहीं चल पा रही, तो उसको डबल ट्रिपल पेट्रोल यूज करना पड़ रहा है 3 लोगों को खींचने के लिए। सो दैट जो आपकी गाड़ी का माइलेज है वो ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए 3 लोगों को बैठाल करके गाड़ी को ना चलाएं, ना चलाने की किसी को सलाह दें। इसके अलावा दोस्तों ऐसी राइडिंग की बहुत सारी बैड प्रैक्टिस हो सकती है जिसकी वजह से जो माइलेज है वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाता है, बट उनके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों में हम लोग चेंजेस करा लेते हैं, मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, या फिर मिस्त्री मैकेनिक जो होते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और हम लोग जब उसको चेक नहीं करते जिसके कारण भी आपका जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें नंबर 1 पर दोस्तों आता है आपका क्लच। कई बार होता क्या है कि हम लोग क्लच को हल्का सा टाइट कराते हैं और क्लच में ना प्ले नहीं रह जाता है, जिसके कारण होता यह है कि इंजन तो पूरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है बट उतनी परफॉर्मेंस आपके पहिए तक ट्रांसफर नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि इंजन में हल्का सा क्लच जो होता है वो दबा होता है। अब मान के चलिए इंजन जो है 7000 आरपीएम पे घूम रहा है और 7000 आरपीएम पे जो आपका पहिया है जितनी तेजी से घूमना चाहिए उसमें से हल्का सा जो परफॉर्मेंस है वो क्लच के कारण नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी का 90% जा रहा है, लेकिन जो 10% पावर है वो दोस्तों क्लच के दबे होने के कारण ड्रॉप हो रही है। तो जब भी आप क्लच को टाइट करवाएं मेक श्योर करें कि जो उसका जो प्ले है क्लच का वो
जरूर हो वहां पर, प्ले होने के बाद में ही क्लच पूरा दबे। इससे होता यह है कि 100% जो परफॉर्मेंस है वो पहिए तक जा पाती है और आपको जो माइलेज है गाड़ी का वो पूरा का पूरा देखने को मिलता है जितना कि इंजन निकाल रहा होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है माइलेज ड्रॉप की वो आ जाती है पिछले ब्रेक को लेकर के। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो पिछला ब्रेक होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें जो पहिया होता है वो हल्का सा जाम होकर के चलने लग जाता है। बट चूंकि गाड़ी तो हमें चलानी नहीं, हम तो इंजन के भरोसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इंजन को थोड़ी ज्यादा दगा लगानी पड़ जाती है जिसके कारण भी आपका जो माइलेज है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। सो दैट जब भी आप पिछले ब्रेक को टाइट करें तो ध्यान रखें कि उससे पिछला पहिया जो है वो बिल्कुल फ्रीली घूम रहा हो उतना ही टाइट हो। ये नहीं कि ब्रेक को टाइट करने के चक्कर में आपने इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि जो उसका पिछला पहिया है वो घूम नहीं पा रहा ढंग से। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन के साइड की, तो इंजन में भी कई बार दोस्तों ऐसी चीजें हो जाती है जैसे कि उसका एयर फिल्टर। कई बार क्या होता है कि जो इंजन का एयर फिल्टर होता है वो इतना ज्यादा डर्टी हो जाता है, उसमें धूल के इतने ज्यादा पार्टिकल बैठ जाते हैं जिसके कारण इंजन जो होता है वो पूरी की पूरी सांस नहीं ले पा रहा होता है। अब आप कहेंगे कि इंजन सांस लेता है, तो जी हाँ इंजन सांस लेता है एयर फिल्टर के जरिए। उसमें जो ऑक्सीजन है वो जाती है वो कार्बोरेटर में जाकर के फिर दोस्तों आपके इंजन में जाती है, जिससे कि जो पेट्रोल का कंबशन है वो अच्छे से हो पाता है और यहाँ पर पेट्रोल भी काफी ज्यादा मात्रा में सेव हो पाता है। अब चूंकि एयर फिल्टर से सांस अच्छे से आ नहीं पा रही है, एयर अच्छे से आ नहीं पा रही क्योंकि जो एयर फिल्टर वो ब्लॉक हो चुका है, सो दैट जो इंजन है उसको पूरी परफॉर्मेंस निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खींचना पड़ेगा। इससे भी आपका जो माइलेज होता है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। सो दैट आप टाइम टू टाइम अपने एयर फिल्टर को चेक कराते रहे, उसको साफ करते रहे, या फिर जरूरत पड़े तो उसको चेंज कराते हैं, जिससे आपका जो माइलेज है वो एकदम बरकरार रहे। तो अगला जो पॉइंट बताने वाला हूं, हो सकता है आप लोग उस पर बिलीव ना करें, बट अगला जो पॉइंट है वो होता है डर्टी इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल भी कई बार दोस्तों बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और हम लोग जो है उस पर गाड़ी को खींचते रहते हैं, उसका जो लुब्रिकेंट होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और जो इंजन में चिकनाई बनी रहनी चाहिए वो नहीं बन पाती, जिससे होता क्या है कि आपका माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। देखो इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो जो इंजन ऑयल है उसका मेन काम होता है इंजन को लुब्रिकेट रखना, ठीक है, उसको बिल्कुल स्मूथली चलाने देना। लेकिन चूंकि अब आपका इंजन ऑयल इतना ज्यादा डर्टी हो गया, उसमें इंजन के जो छोटे छोटे गरारियां होती है उसके बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो टूट करके मिल जाते हैं, जिसके कारण जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पर जो प्रेशर होता है इंजन को वो थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है फ्रीली मूव होने के लिए। ऐसे में जो डर्टी इंजन ऑयल होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा ब्लॉक करता है इंजन के परफॉर्मेंस को। सो दैट जब भी आपका इंजन ऑयल काफी ज्यादा पुराना हो जाए, जैसे 2,000-4,000 किलोमीटर पे, आप उसको चेंज कर दें और साथ में इंजन ऑयल फिल्टर को भी चेंज करते रहें, जिससे आपका जो माइलेज है वो अगेन बहुत अच्छा बना रहेगा और आपको गाड़ी से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्लस साउंड देखने को मिलती रहेगी। और कहते हैं कि जो इंजन ऑयल होता है वो इंजन की जान होता है, तो इंजन की लाइफ भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्पार्क प्लग को लेकर के। स्पार्क प्लग भी आपके माइलेज में कई बार बहुत ज्यादा जो है ड्रॉपनेस लेकर के आता है। मतलब आपको यकीन भी नहीं होगा कि स्पार्क प्लग कैसे जो है गाड़ी का माइलेज को ड्रॉप कर सकता है। तो देखो होता क्या है कि स्पार्क प्लग का जो मेन काम होता है वो होता है चिंगारी फेंकना, है ना, उसमें जो है स्पार्क होती रहती है जिसके कारण जो पेट्रोल होता है वो जल पाता है। लेकिन कई बार चीप क्वालिटी का या फिर खराब स्पार्क प्लग क्या करता है, पूरी तरीके से जो कंबशन होती है वो नहीं करा पाता है, मतलब वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता, ठीक है। तो जब स्पार्क प्लग जलेगा ही नहीं तो पेट्रोल का वहां पर दोस्तों दहन नहीं हो पाएगा, यानी कि पेट्रोल भी बर्न नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पेट्रोल बर्न नहीं होगा तो वहां पर पेट्रोल एक्स्ट्रा जो है वो आगे के लिए चला जाएगा और अगला पेट्रोल वापस में आ जाएगा, तो हो सकता है वहां पर अगेन स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क करे। देन इस प्रोसेस में काफी सारा जो पेट्रोल होता है वो वेस्ट हो जाता है और ऐसे में जो गाड़ी का जो माइलेज होता है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। सो दैट हमेशा मेक श्योर करें कि आपका जो स्पार्क प्लग है वो बढ़िया से काम कर रहा हो, साथ में वो पूरी परफॉर्मेंस के साथ में चल रहा हो और वो अच्छी कंपनी का हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट है जिनको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बरकरार रहेगा, साथ में गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी और उसकी लाइफ भी काफी समय तक बहुत बढ़िया बनी रहेगी और आपको गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसी दोस्तों बहुत सारी वीडियोस मोबाइकर बीच पर मैं लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे भविष्य में बहुत सारी वीडियोस जो है आपके काम की आपको समय समय पर मिलती रहे। मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हो मोबाइकर बीच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप सेफ राइडिंग।